संजय थले और नॉन स्ट्राइक पर हैं राहुल पाटिल। हितांशी इंटरप्राइजर्स गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए प्रताप। देखिए बारवा खिलाड़ी अगर कमेंट्री बॉक्स में जिस टीम का नहीं रहा उसको 2 रन का पेनल्टी है, इसलिए बारवा खिलाड़ी भेजे प्लीज। यस, दोनों आ चुके हैं, वेलकम। प्रताप पहली गेंद, 4-4 ओवर का ये मैच, क्राउड अभी से पैक। संजय थले पहली गेंद का सामना कर रहे हैं, रिवर्स खेलने की कोशिश, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट और बाई का आता हुआ ये चौका। टॉस को जीता है विहाना सुपर किंग्स ने और पहले फील्डिंग कर रही है। अगली 2 टीमें टॉस के लिए तैयार है, आइक वॉरियर्स और यशित टाइगर्स। इस बीच गजब का शॉट खेला है, एक और चौका थले के बल्ले से। पहुंचा स्कोर, फिर रिवर्स खेलने की कोशिश, शायद भूल गए यहां पर संजय थले के एवरी डे इज नॉट संडे, हर गेंद को रिवर्स खेलना चाह रहे थे। बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं अंडर आर्म क्रिकेट में। ओ अच्छी गेंद, दोनों पैरों के बीच में से चली गई विकेट कीपर के पास। फ्लिक करने की कोशिश, पैरों से टकराई, कवस में गई लेग बाय। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10। मेरे साथ भिवंडी की वो आवाज जो कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है, शुभाद धुमाल जी और किंग स्कोरर अल्पेश गायकवाड। फिर रिवर्स खेलने की कोशिश, इस मरतबा अपील लेकिन अंपायर सहमत नहीं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर 11 पे पहुंचा। जीपीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अंडर आर्म क्रिकेट का महासंग्राम जीपीएल गोलगांव प्रीमियर लीग। गोलगांव प्रीमियर लीग में आपको अगर खेलना है तो गेंदबाजी करना है तो बल्लेबाजों को घोल के पिलाना होगा, और बल्लेबाजी करना है तो गेंदबाजों को घोल के पिलाना होगा। फील्ड की जमावट, थर्ड मैन कवर पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश लेकिन रन पूरा। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ हितांशी एंटरप्राइजर्स का 12 रन बिना किसी विकेट के। ओवर नंबर 2 करते हुए रोहित सामना करेंगे बैटर राहुल पाटिल। राहुल पाटिल ने अभी तक खाता नहीं खोला है, मंच पे हमारे मान्यवर से उनका हार्दिक स्वागत है। इस मरतबा 9 बॉल आगे कर बैठे थे, 1 रन आता हुआ, 13 पे पहुंचा स्कोर। खींच के मारा है पीछे खिलाड़ी, मिसफील्ड और आउट बैट्समैन थले, रन आउट। नए बैटर दीपेश मात्रे आए हैं बल्लेबाजी को। क्लांस करने की कोशिश, फिर 9 बॉल, 1 रन और आता हुआ स्कोर में, 15 पे पहुंचा स्कोर हितांशी इंटरप्राइजर्स का। 15 रन गेंदबाजी कर रहे रोहित, स्वीप कर दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद मिड विकेट पे, 4 रन। इस मरतबा फिर स्वीप लगाया था, फील्डर मौजूद है, 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पे पहुंचा है। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से फोर्स किया था लॉन्ग ऑन पे, 1 रन आता हुआ स्कोर में, हितांशी इंटरप्राइजेस का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन, 1 विकेट। टॉस हार के बल्लेबाजी कर रही, बढ़िया गेंद बोल्ड,
ऊपर खेल बैठे थे, बेस क्या जल उठा, दिल जल उठा। नए बैटर मैदान में आए हैं, क्रिश पाटिल। इस ओवर में दो ओवर की समाप्ति, रन बने कुल मिलाकर 21, विकेट गिरे हैं दो। आप देख रहे हैं जीपीएल गोलगांव प्रीमियर लीग, दर्शक काफी बढ़ चुके हैं। गेंदबाजी के लिए अजय आए हैं, जबकि बैटर नए क्रिश आए हैं। सामना कर रहे बैटर राहुल पाटिल। स्विंग कर दिया और आउट बैट्समैन। नए बैट्समैन छोटू पाटिल आए हैं। कदमों का इस्तेमाल, बहुत ही खूबसूरत शॉट गैप में, चार रन वाइडिश लॉन्ग ऑन पे। छोटू ने आते के साथ खाता खोला चौके से, फिर स्वीप किया है। इस मरतबा मिड विकेट पे खिलाड़ी हैं। एक रन आता हुआ स्कोर में, हितांशी इंटरप्राइजेस का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। अजय, अच्छा स्ट्रोक है, गेंद निकल गई है मिड विकेट पर, चार रन। क्रिश खरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता हुआ, इस मरतबा कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, गेंद गली में गई है। एक रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ इतांशी इंटरप्राइजेस का 31 रन, तीन विकेट। गेंदबाजी कर रहे हैं अजय छोटू पाटिल को, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है, गजब का स्ट्रोक है, चार रन। तीन ओवर की समाप्ति पे अच्छा टोटल बना लिया है, 35 रन हुए और दो विकेटें गिरी है। अगले दोनों टीमों को आखिरी ऑफिशियल कॉल है, आइक वॉरियर्स के, अद्विक वॉरियर्स के कैप्टन और यश्चित टाइगर्स के कैप्टन। लास्ट कॉल है अथवा दो रन का पेनल्टी होगा। डेथ ओवर की शुरुआत, बढ़िया गेंद आगे रखा था, खेलना चाहते थे और आउट हो गए वहां पे क्रिश। नए बैटर किरण मडवी आए हैं बल्लेबाजी को। हालांकि टेनिस क्रिकेट में बड़ा नाम है किरण का, किरण मडवी, सोनू तले, पिंटू पारचा के नाम से जाने जाते हैं। किरण मडवी सामना कर रहे हैं। ओ अच्छी गेंद, टर्न करना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी लेग बाय, पैर को लगी थी। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन, चार विकेट। हितांशी इंटरप्राइजेस कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, फिर बीट किया। लास्ट ऑफिशियल कॉल है, दोनों टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। आ चुके हैं, वेलकम।
रिवर्स खेलने की कोशिश, फिर बीट किया। बॉलिंग बहुत लाजवाब कर रहे हैं डेथ ओवर में सोनू थले उर्फ पिंटू पारचा। सोनू थले निकल के मारा है डाउन द ग्राउंड, कोई मौका नहीं, चार रन। चालीस रन पे पहुंचा है स्कोर इतांशी इंटरप्राइजेस का, सामने विहाना सुपर किंग्स। इस मरतबा आउट हो जाएंगे, यस। तो कुल मिलाकर रन बने 40, 41 की चुनौती। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। मैं अनिल पाटिल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस करना है। अनिल पाटिल साहब के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। अद्विक वॉरियर्स और यक्षित टाइगर्स के बीच में मुकाबला। टॉस होने जा रहा है अद्विक वॉरियर्स और यक्षित टाइगर्स के बीच में। दोनों कैप्टन बहुत मशहूर विक्की, जिन्हें सरफराज खान ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया था मापोली क्रिकेट धमाका 2017 में। विहाना के सामने लक्ष्य 41 का है। टॉस होता हुआ देखना है किसने जीता है। अद्विक वॉरियर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। चलते हैं इस मैच की तरफ। 41 का लक्ष्य है विहाना सुपर किंग के लिए। बहुत अच्छा फॉर्मेट बना है जीपीएल का, क्योंकि जो स्ट्राइक लेगा वो 40 प्लस रहेगा। गेंदबाजी के लिए छोटू पाटिल सामना करेंगे बैटर दिनेश। नॉन स्ट्राइक पर संकेत, दिनेश पाटिल और संकेत पाटिल, जबकि छोटू पाटिल ये 40 प्लस है। पहली गेंद बहुत ही करारा ड्राइव, चार रन। की पहली शाम है, कल कौन बनेगा विजेता। इस मरतबा सही फैसला वाइड, एक रन और आता हुआ स्कोर में, पांच पे पहुंचा स्कोर। छोटू पाटिल दिनेश के लिए, अच्छा ड्राइव, फिर चार रन। 40 प्लस से दो चौके। लॉन्ग ऑन के फील्डर को चेंज कर दिया है, लेकिन दिनेश पाटिल की सराहना करना ही होगी। बहुत बढ़िया ड्राइव, स्कोर 9 पे पहुंचा है। 41 का लक्ष्य है विहाना सुपर किंग्स के सामने। उल्टी गोल्डी क्रिकेट का नजारा। अच्छी गेंद, आगे रखा था, ड्राइव करना चाहते थे, पांव नहीं चले थे बल्लेबाज के। फिर से अच्छा स्ट्रोक है, ये भी बुलेट है, लेकिन कमाल की फील्डिंग, लेकिन आखिरकार गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रन। ओ आउट। हमारे एनर्जी ड्रिंक्स स्पॉन्सर हैं आकाश पाटिल और संतोष पाटिल, जिन्होंने कैलाशवासी राजाराम नारायण पाटिल और
सीताबाई राजाराम पाटिल की याद में, जीजाबाई राजाराम पाटिल की याद में एनर्जी ड्रिंक स्पॉन्सर किया है। फिर अच्छा ड्राइव है, लेकिन नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी के पास जाके गेंद लगी थी। एक रन आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 14 पर। बढ़िया रिप्लाई, पहले ओवर की समाप्ति वियान सुपर किंग ने बनाए 14, बचे 3 ओवर में 27 रन चाहिए, चेसिंग कंपलसरी है। आप सामना करने जा रहे हैं बैट्समैन अजय पाटिल। दीपेश की गेंद डाउन टू लेग साइड वाइड, दीपेश मात्रे आए हैं हितांशी इंटरप्राइजेस की तरफ से। छोटी गेंद लेकिन आउट, बैट्समैन फोर्स किया एक और विकेट, नो बॉल, नो बॉल, बच गए। इसे कहते किस्मत, गेंदबाज की किस्मत खराब। इस मरतबा टर्न कर दिया है, बैकआउट ऑफ द स्क्वायर, 4 रन, नो बॉल। क्या कर रहे हैं दीपेश मात्रे, बैक टू बैक 2 गेंदे नो बॉल की है और स्कोर वियाना सुपर किंग का 21 रन 1 विकेट। फिर टर्न करने की कोशिश, फिर वाइड। एसके एंटरटेनमेंट पे इसका सीधा टेलीकास्ट जा रहा है, बड़ा नाम है एसके एंटरटेनमेंट। अच्छा ड्राइव, कोई मौका नहीं, बुलेट शॉट, 4 रन। बंदूक की गोली की तरह गेंद निकल गई, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वियाना। एक और ड्राइव, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, 1 रन पूरा, स्कोर 27, 14 रन और चाहिए। कमाल का रिप्लाई दिया जा रहा है वियाना सुपर किंग की तरफ से। फुल टॉस गेंद, बेहतरीन एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, 4 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, मूड बना दिया है। फिर अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, मिस फील्ड, 4 रन। पैंतीस हुए। फिर ड्राइव, लेकिन इस मरतबा आउट बैट्समैन। गेंदों में केवल 6 रन चाहिए और नए बैट्समैन सोनू थले, जिनको के पिंटू पर्चा भी कहा जाता है। बल्लेबाज सोनू थले आए हैं लेकिन नॉन स्ट्राइक पे हैं। फुल टॉस गेंद, कोई मौका नहीं, गेंद मिड विकेट पर, 4 रन। फिर से खेला है और गेंद, 1 रन और इसके साथ ही 1 रन और चाहिए। मैच को जीतने के लिए वियाना सुपर किंग बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। पिंटू पर्चा स्वीप लगाना चाहते थे। संजय थले, अच्छा ड्राइव और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन वियाना सुपर किंग, हार्ड लक हितांशी इंटरप्राइजेस। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और वो खिलाड़ी है जिसने डेथ ओवर में 5 रन देकर 1 विकेट लिया, सोनू थले उर्फ पिंटू पर्चा। आइए सोनू थले, आपको हम संतोष
संतोष मात्री के हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दे रहे हैं अंडर आर्म क्रिकेट के पिंटू परचा सोनू थले। वेल प्लेड, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की डेथ ओवर में। मैन ऑफ द मैच संतोष मात्री के हाथों से मैन ऑफ द मैच की ये ट्रॉफी हम आपको दे रहे हैं। वेल डन, ऑल द बेस्ट। चलते हैं अगले मुकाबले की तरफ, जहां पर अद्विक वॉरियर और यशचित टाइगर्स के बीच मैच होने जा रहा है। खेल की जब शुरुआत होगी तो आपके साथ रहेंगे वो कमेंटेटर जो 2015 में